बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका व्लॉगिंग बाय खदीजा में। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हमने इफ्तारी में सोचा कि हम पुलाव बनाते हैं। चिकन को मैंने पानी में डाल के तो रख दिया था, और यहाँ पे ये मैंने फ्रूट चाट भी बना लिया है। फ्रूट चाट तकरीबन मैंने कंप्लीट कर लिया था, और पकौड़ों का मसाला जो है वो भी बना के रख दिया है। बिल्कुल थोड़े से पकौड़े बनाए हैं, क्योंकि चावल बनाने हैं तो उनके साथ मैंने थोड़े से पकौड़े बना लिए। चावलों को भिगो के पहले रख दिया है, साथ ही मैंने इनका पुलाव का जो गोश्त था उसको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया था। फ्राई करने के साथ साथ मैंने फ्राई किया, साथ साथ मैंने उसके लिए चीज़ें काट ली। टमाटर काट लिए थे, हरी मिर्ची उसके साथ काट ली थी। मसाला जो है वो अच्छे से बन गया। तो अब ये देखिए, मसाला जो है वो बहुत ही अच्छा बना है। साथ ही साथ मैं चावल बना रही थी, साथ ही मैंने रोल भी बना लिए। चावलों को तकरीबन पानी जो है वो खुश्क हो चुका है, अभी इसको मैंने दम लगा देना है। 5 से 7 मिनट तक दम लगाना है। साथ ही पकौड़े भी जो है वो फ्राई कर लिए। आज हमने ये एक ड्रिंक बनाई है जो कि है स्ट्रॉबेरी मोजीतो। बहुत ही मज़े की बनी थी। इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर ये शेयर करूँगी, और बिल्कुल छोटी सी वीडियो है, एंड तक देखिएगा। और हम रहे देसी लोग, और ये मैंने कढ़ाई जो थी वही बाहर ले आई थी, और उसी से हमने डाली थी। कोई डिश वगैरह नहीं थी ली, और ये हमारी माशाल्लाह से टेबल जो है वो रेडी हो चुकी थी। इफ्तार का तकरीबन टाइम हो चुका था। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।